अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटे। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आज पेट्रोल की कीमत आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है और यकीनन इससे आम जनता की कमर तो टूट ही रही है, साथ ही उनके इस हाल का मजाक भी बनाया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए नेता कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, नेता लोग बयान देते हैं, हालांकि उनसे जिस वक्त सवाल पूछा जाए तो वो कभी उस वक्त जवाब नहीं देते हैं, कभी देते भी हैं तो देर से देते हैं, कई तो बोलते बोलते ही सवाल का डायरेक्शन ही मोड़ देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे, जो अपने बयानों और सवालों के लिए कितने कितने महीनों चर्चा का विषय बने रहते हैं। आम आदमी को क्या पता कि सरकार किस फायदे या यूं कहिए कि किन चीजों से लगातार पेट्रोल से लेकर आपके घरों में खाने बनाने के साधन की कीमतें बढ़ा रही है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाल ही में जारी किए गए बयान के जरिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब सरकार की ओर से लगाए गए भारी भरकम टैक्स के बारे में बात किए बिना धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम जाड़े की वजह से बढ़े हैं। गोया हर घर में गैस सिलेंडर से आग तापी जा रही हो या पेट्रोल पंप से तेल लाकर आग लगाई जा रही हो, तापने के लिए धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए आगे आते हैं। दावा करते हैं कि जाड़ा घटेगा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम भी घट जाएंगे। ये भी दावा किया गया है कि दाम इसीलिए ज्यादा है क्योंकि डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस के बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े के दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा। अब आप पूछेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को आखिर में बोलना क्या चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी के बारे में बोलना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि कैसे उन्होंने कुछ दिनों पहले ही संसद में ये कहा था कि केंद्र सरकार की पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की कोई योजना ही नहीं है। लेकिन मंत्री जी इन मुद्दों पर बात करने के बजाय आम जन को ऐसे आड़े टेढ़े एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए कि जाड़े और तेल के दाम का दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम पिछले एक महीने में 3 बार बढ़ाए जा चुके हैं। 4 फरवरी को ये दाम 25 रुपए थे, 15 फरवरी को 50 रुपए हुए और फिर 25 फरवरी को 75 रुपए हो गए। इसी क्रम में पेट्रोल के रेट भी कई जगह सैकड़ा छू चुके हैं, बाकी जगह भी कुछ ही दिनों में जल्द ही ऐसा होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।